नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेट पर टुडे। मैं हूं सिरमौर चौराहे में। सिरमौर चौराहे का नजारा यहां बिल्कुल बदला हुआ आप अपने स्क्रीन पर इस समय पीछे देख पा रहे होंगे। एक पुल का निर्माण हो रहा है। ये पुल यमुना प्रसाद शास्त्री मार्ग जो हाईवे बना हुआ है उस पर जाके मिलेगा। इसका सीधा सा अर्थ है काले चौराहे से जैसे ही आप आगे बढ़िए जो फ्लाईओवर है उस फ्लाईओवर को ये पुल जोड़ेगा। मैं आपको इधर का भी नजारा दिखाना चाहूंगा। यहाँ दो लेग आपको आपके स्क्रीन पर साफ तौर से नजर आ रही होगी। एक लेग सीधे जाएगी यहाँ से विश्वविद्यालय मार्ग की ओर, जैसा कि आप जो ट्रैफिक इस समय देख रहे हैं ये विश्वविद्यालय मार्ग जाने वाला ट्रैफिक है। इसको भी ये पुल जोड़ेगा। साथ ही एक दूसरा पुल बोधाबाग की जाने वाला रास्ता है, इसको बोधाबाग से जोड़ेगा। इसका सीधा सा अर्थ है निकट भविष्य में बोधाबाग और विश्वविद्यालय मार्ग से आने वाले लोग इस पुल से सीधे ऊपर चल के निकल जाएंगे जिनको सिरमौर चौराहे के आसपास काम में। माना जा सकता है इस पुल के बनने के बाद यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव काफी कम हो जाएगा। हालांकि मैं आपको यहाँ कुछ दुकानें भी दिखाना चाहूंगा। दोनों तरफ की दुकानें जिस तरीके से यहाँ आपको ये दुकानें दिखाई दे रही हैं, कुछ दिन पहले ये दुकानदार काफी आक्रोशित थे। इनका साफ तौर से कहना था इन दुकानों को हटाने की जरूरत नहीं है। निकट भविष्य में अब देखना दिलचस्प होगा ये दुकानें हटती हैं या ये यहीं पर रहती। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस ने काफी विरोध भी किया था। यहाँ पर पूर्व के समय में जब यहाँ पर अनशन कर रहे थे यहाँ के दुकानदार, तो नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह भी इस जगह पर आए थे। उन्होंने कहा था हम यहाँ के दुकानदारों की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अभी दुकानों को नहीं हटाया गया। जिस तरीके से यहाँ पर लगातार पुल का काम चल रहा है और काफी तेजी से पुल का काम चल रहा है, ये माना जा रहा है पिलर का काम यहाँ पर काफी हद तक पूरा हो गया है। पिलर के काम पूरा होने के बाद यहाँ पर इसका छत का काम किया जाएगा। पिलर के कंप्लीट होने के बाद ये पुल जोड़ने का काम किया जाएगा। निकट भविष्य में ये पुल पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। हालांकि जिस तरीके से काम हो रहा है माना जा सकता है बारिश के पहले ये काफी हद तक अपनी शक्ल लेता हुआ नजर आएगा।
खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।